और जिसकी बीपी, जिसका ब्लड प्रेशर, शुगर ऊपर नीचे हो रहा हो, जिसको इंसुलिन लग रहे हो शुगर के, या आँखों से दिखना कम हो गया हो, नेत्र ज्योति कम हो गई हो, तो उनसे निवेदन है हाथ की ये पोर से लेकर ये दूसरे नंबर का जो पोर है, एक पोर दो पोर, ये यहाँ तक का जो पोर है, इतनी बड़ी एक बेलपत्र, इससे बड़ी बेलपत्र ना लीजिए, इतनी बड़ी बेलपत्र, ये दो पोर के बराबर बेलपत्र लेकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखकर, जो पानी का लोटा है, जल का पात्र है, लोटा है, कलश है, उस बेलपत्र वाली जगह पर शंकर जी को जल, शिवलिंग है ये, जलाधारी है ये जलाधारी, तो शंकर जी पर जल चढ़ाएं, तो बेलपत्र जो छोटी वाली है दो पोर की, वो बेलपत्र यहाँ सुख सुंदरी वाली जगह पर रखना, और शिव जी को जब जल चढ़ाएं तो जल उत्तर की ओर मुख कर चढ़ाइए, और जल चढ़ाते चढ़ाते वही जल का पात्र, पानी चढ़ाते चढ़ाते सुख सुंदरी पर लेकर आइए, और वहां पर तीन बार पानी को गिरा दीजिए, केवल तीन बार, त्र्यंबकेश्वर महादेव के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से तीन बार पानी गिराकर जब वापिस आओ, जल झेल कर लाओ, उसी बेलपत्र को उठा कर लिया, अपने घर में प्रवेश करते समय उस बेलपत्र को खा लो, जिसको इंसुलिन लग रहे हो, जिसकी शुगर ऊपर नीचे हो रही हो, जिसका ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा हो रहा हो, जिसकी नेत्र ज्योति जा रही हो, आंखों पर मोटा मोटा चश्मा चढ़ गया हो, वो बेलपत्र छोटी सी लाओ, उसको खा लो, घर में जाकर जो पानी झेल कर लाए हो शंकर जी का, घर के अंदर बैठकर वो बल जल जो लाए हो वो पानी को पी लो, उस जल का आचमन कर लो। अगर मान लो बेलपत्र खाने से तुम्हारा मुख छार छार हो रहा है, या छाले हो रहे हैं, या स्वाद नहीं आ रहा है, तो उसी बेलपत्र को मल कर उसकी गोली बना लो, मुख में निगल लो और पानी पी लो। जिसकी शुगर आज की आज ऊपर नीचे हो रही है, वो कल करके देखना और कल हमको बताना कि आपकी शुगर लेवल में आई कि नहीं। अगर शुगर ऊंची नीची हो रही है तो आज ही कर देखना।